सच्ची सच्ची एक बात बताना, कभी ये सोचा है कि मुझे कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल जाए और मैं अमीर हो जाऊं? सोचा है ना? चलो मान लेते हैं मुझे ऋषभ को कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल गया, तो वो क्या लीगली मेरा होगा? एक एक्ट है, इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878, यानी खजाने से भी पुराना। वो ये कहता है कि अगर फाइंडर को कहीं भी 10 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का खजाना मिले तो उसे तुरंत पुलिस स्टेशन या कलेक्टर को रिपोर्ट करना होगा। फिर कलेक्टर एक नोटिस पब्लिश करेगा कि सो एंड सो खजाना मिला है, किसी का है तो बता दो। नोटिस पढ़ के मंदीप आ जाता है, मेरा खजाना है। और चलो मैं सीधे सीधे मान लेता हूँ, हाँ ठीक है तेरा है, तो खजाना आधा आधा बांट लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं मानता फिर तो मामला जाएगा सिविल कोर्ट में, और अगर कोर्ट ये बोल देता है कि हाँ मंदीप ओनर है तो वही 50-50। लेकिन अगर मंदीप ओनरशिप प्रूव नहीं कर पाया तो खजाना ओनरलेस माना जाएगा और मुझे यानी ऋषभ को मिल जाएगा। अच्छा मजे की बात तो बताना भूल गया, अगर खजाना 100 साल से पुराना है तो द एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना देगा और गवर्नमेंट वो सारा खजाना आपसे ले लेगी। खैर कोई और खजाना मिले ना मिले, आपको LLA के शॉर्ट्स रोज मिल सकते हैं बाय प्रेसिंग दिस सब्सक्राइब बटन।